स्पेन में हाल ही में आयोजित वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार पुरुष वर्ग में भारत ने दो पदक हासिल किए हैं। के श्रीकांत ने इस चैंपियनशिप में रजत जबकि लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक हासिल किया है। भारतीय बैडमिंटन संघ के संयुक्त सचिव एवं हिमाचल बैडमिंटन संघ के महासचिव राजेंद्र शर्मा ने खिलाड़ियों को इस सफलता के लिए बधाई दी है। गौरतलब है कि स्पेन में आयोजित इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन दोनों ही खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया है। भारतीय बैडमिंटन संघ के संयुक्त सचिव एवं हिमाचल बैडमिंटन संघ के महासचिव राजेंद्र शर्मा ने कहा कि हिमाचल बैडमिंटन संघ इन दोनों खिलाड़ियों को बधाई देता है। पहली बार इस तरह का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक जीतना गोल्ड मेडल से कम नहीं है। इससे खिलाड़ियों ने पहले से भी शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। उन्होंने भारतीय बैडमिंटन संघ के मुखिया डॉक्टर हेमंता विश्व शर्मा और राष्ट्रीय महासचिव अजय सिंघानिया को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में ही लगातार खिलाड़ियों का प्रदर्शन सुधर रहा है। मैं राजेंद्र शर्मा, हिमाचल प्रदेश बैडमिंटन संघ की ओर से। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे देश के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा नाम अर्जित किया है और इस बार पहली मर्तबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी स्पेन में हाल ही में संपन्न हुई है उसमें हमारे देश के खिलाड़ियों किदंबी श्रीकांत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सिल्वर मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल करना एक गोल्ड मेडल के समान है और बहुत उम्दा प्रदर्शन इस खिलाड़ी ने किया है। पहले भी मैं कई बार इस खिलाड़ी के साथ हम लोग ऑस्ट्रेलिया ओपन जीते हैं और भी बहुत सारे क्राउन इस खिलाड़ी ने अपने नाम अर्जित किए हैं, लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के मुखिया डॉक्टर हिमांता विश्व शर्मा जी को और हमारे राष्ट्रीय महासचिव अजय सिंघानिया जी को। उनके प्रयासों से, उनके सहयोग से हमारा जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन खेलों खिलाड़ियों का और इस खेल का जो प्रदर्शन है वो निरंतर सुधर रहा है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले समय में बहुत अच्छा और अच्छा प्रदर्शन जो है देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश बैडमिंटन संघ की तरफ से इन जीते हुए खिलाड़ियों को, लक्ष्य सेन को, उसने वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल अर्जित किया है, मैं इन सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ।